नमस्कार। एक और भारतीय महिला, भारतीय हिंदू महिला शादी करने वाली है पाकिस्तानी क्रिकेटर से, पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनका नाम है रजा, और वो उसका पूरा नाम साहब रजा हसन, और भारतीय महिला का नाम पूजा बोमन। पूजा बोमन से शादी होने वाली है, इन्होंने ट्विटर पे लिखा है। और ये शादी, वैसे तो ये मैडम जो है इंडिया की है, इस समय ये अमेरिका सेटल है, अमेरिका में रहती है, और शादी अगले साल होगी, उससे पहले ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले भी जब शादी हुई थी सानिया मिर्जा की, उस समय भी बोला गया था कि यार पाकिस्तानियों पर भरोसा ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उन्होंने किया। खैर, उनका अपना पर्सनल मामला, मैं उसमें क्या बोलूं, लेकिन सानिया को कहीं ना कहीं धोखा तो मिला। एक और सामने आया सारा, इससे पहले भी हमने देखा कि रीना रॉय को भी मोहसिन खान थे उनका नाम, उन्होंने धोखा दिया था और रीना रॉय को भी डिवोर्स दे गए। तो ये हो क्या रहा है, क्या ये एक तरीके का लव जिहाद है इंडिया पाकिस्तान में, या किस तरीके का चल रहा है गेम, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ महलीत सरकारी जी। महलीत सरकारी जी बड़े लंबे अरसे के बाद हमारे चैनल पे आई हैं, वैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं और ये ऐसी चीजों के खिलाफ एक लंबा अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं, जो लव जिहाद हो या लेडीज के वुमेन्स राइट्स हो, इसके लिए कैंपेन भी चलाती हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये ऐसी एक और शादी होने जा रही है, क्या कहना है? नमस्ते रोहित जी, थैंक यू सो मच, बहुत अरसे बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए, रिलेशनशिप्स जो हैं और शादी जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, और उसमें जब तक आप लोगों के माइंड सेट नहीं मिले, आप लोगों की आइडियोलॉजी एक नहीं हो, एक ही पेज पे आप नहीं हो, तो वो गाड़ी चलाना ना मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से आपको जो है बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं, और एक रिलीजन एक ऐसी चीज है, आपकी पर्सनल चीज होती है, मगर उससे आपका कल्चर चलता है, उससे आपकी हैबिट्स होती हैं, उससे आपके घर में जो चीजें होती हैं, यू नो, इट इज ऑल डिफाइंड बाय दैट। तो उसको कंबाइन करना और उसके साथ चलना आगे बहुत मुश्किल है। अब आई थिंक के चंद लड़कियों को ये फैसिनेशन होती है, फैसिनेशन लगती है कि भाई हम इसमें कन्वर्ट होंगे, या वो मर्दों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए कि भाई मैं अगर उसको सैक्रिफाइस कर लूंगी इसके लिए तो ये मुझको चुन लेगा, या मुझे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ये फैसिनेशन होती है उनकी, मगर वो ज्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि जब आप रियलिटी में आते हो, जब आपकी शादी का हनीमून पीरियड खत्म होता है और जब असल इम्तिहान शुरू होता है, वहां पर जाकर फिर आपकी डिफरेंसेस आती हैं, और फिर जब अब अगर बच्चे हो जाएंगे आपके, तो फिर उसके बाद भी जाकर जो है बहुत वो होती है प्रॉब्लम्स। अब आई डोंट नो कि इनकी एज क्या है, एज के हिसाब से तो ये मुझे बड़ी छोटी सी लग रही है और उनकी एज जरा थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, मगर मैंने बहुत सारी जी मैडम की एज है 32 साल और रजा हसन की एज इनसे ज्यादा ही है, नो डाउट। हाँ, तो देखिए ये एक फैसिनेशन है, और मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों को, यहाँ पर एक बंदी है, गोरी बंदी है, तो उसका नाम है डेबरा, उसको इसी तरह से ना कन्वर्ट किया गया था प्यार मोहब्बत में उसमें। तो यहाँ पर जब ये दावे करते हैं और ये जो है ना वो खिलाते हैं कि भाई आप अगर इस्लाम में आ जाओगी, तो इस्लाम में ये है कि भाई मर्द कमाएगा और आप खाओगे घर में बैठ के आराम से, आपको क्या कहते हैं, रानियों की तरह राज करोगी घर में। ये चीजें चूरन बचा करना वो आपको कन्वर्ट तो करवा लेते हैं, मगर फिर उसके बाद जो असलियत है ना, फिर वो दिखती है औरतों को, और आप बहुत दफा देखेंगे कि जो कन्वर्ट करते हैं वो फिर वापस कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी ओरिजिनल रिलीजन में, एंड दी रिलेशनशिप्स डोंट वर्क। चाहे आप कन्वर्ट करके जाओ या आप अपनी रिलीजन में रहो, तब भी बहुत मुश्किल होता है साथ रहना इस तरीके से। तो देखेंगे हम इनका भी क्या हाल होता है आगे, मगर ये तो देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं उनको फंसाने की कोशिश की जाती है और उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं और लड़कियां फंस जाती हैं। वी आर इमोशनल बीइंग्स, राइट? और प्यार किसको नहीं चाहिए होता है। तो आई थिंक मैं ऑनेस्टली आई होप कि इनकी रिलेशनशिप चल जाए आगे, मगर कन्वर्ट करके आप किसी मर्द के लिए अपनी रिलीजन कन्वर्ट कर लेती हो तो दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आपसे कोई प्यार करता है, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो दे शुड एक्सेप्ट यू एज यू आर। अगर आपने बंदे को चेंज करके एक्सेप्ट करना है, तो फिर वो आप एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे ना उस बंदे को,
आप उसको अपने ही ढाल में ढाल रहे हो, और होता यही है दोनों साइड से भी मैंने देखा है कि कभी लड़कियां बंदे को अपने उसमें ढालने की कोशिश करती हैं, चेंज करने की कोशिश करती हैं, और कभी मर्द औरत को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। राइट, ये एक फोटोग्राफ और है इन दोनों की। वैसे आई थिंक दोनों की एज ही, जो मैं मुझे रजा सजन की थोड़े से ही पड़े, ज्यादा पड़े नहीं है। ये जरूर है कि इंडियन गर्ल्स, मैंने रिवर्स कहीं नहीं देखा, पाकिस्तानी लड़की किसी इंडियन क्रिकेटर से शादी करे ऐसा देखा नहीं। कोई इंडॉक्ट्रिनेशन है या ये जब लव है तो दोनों साइड होना चाहिए ना, एक साइड ही क्यों होता? ये होता इसी वजह से है ना, क्योंकि देखें आपने दूसरों की लड़कियों को पकड़ना है और वहां से आपने शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। अच्छा, अब इस्लाम में ये जायज है कि आप नॉन मुस्लिम औरत से तो आप शादी कर सकते हो, मगर एक मुसलमान औरत जो है, मर्द यानी मुसलमान मर्द नॉन मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है, मगर एक औरत के लिए वो बड़ी चीज है, अनलेस कि वो भी कन्वर्ट करे। और मैं फिर वही बात आपसे कहूंगी कि लड़कियों को मर्दों को कन्विंस करने में जरा थोड़ी इश्यू होता है, वेयर एज मर्द जो है वो औरत को बहुत जल्दी काबू कर सकता है और उसका दिमाग जल्दी बदल सकता है। क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा ना कि वी आर इमोशनल बीइंग्स, मर्द बहुत जो है ना उनके अंदर इमोशंस होते हैं मगर वो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं करता है, एंड दे विल नॉट चेंज फॉर यू, ज्यादातर ये होता है। राइट, चंद हो भी जाते हैं मगर हाँ ऐसा आपको नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा कि पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो जाकर आउट ऑफ द वे शादी कर रही है किसी से और मर्द कन्वर्ट हो रहा है। मगर होते हैं, ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे जानती हूँ कैनेडा में एक है मेरे फ्रेंड ही हैं, और उनका यानी ही वॉज डेविस्टेटेड, उनके बेटे को फंसाया इसी तरीके से और बड़े बुरे तरीके से फंसा के उस बेचारे को कन्वर्ट करवाया और फिर उससे शादी भी की है और वो ले गई अपने साथ और अपने साथ रखती है, बाप से कोई मिलना जुलना नहीं है। सो ही वॉज हिंदू एंड ही कन्वर्टेड, सो वही है ना, फिर वो मदर से और वहाँ पे लेके जाते हैं, ब्रेन वॉशिंग चलती है, विच इज आई थिंक इट्स हॉरिबल टू डू दैट टू अ पर्सन। अच्छा मैम, एक चीज और, ये जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी देखा कि हो सकता है कि इनका इनका जेन्युइन लव हो और हम चाहते हैं कि इनका इनकी मैरिज चले, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी लड़कों से या क्रिकेटर्स से जो शादियां हुई हैं वो खास चल नहीं पाई, कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कोई समझना नहीं चाह रहा है इसको, व्हाट हैपेंस टू गर्ल्स इन दैट केस? देखिए इन जनरल अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि शादियाँ वैसे ही नहीं चल रही हैं, शादी का जो रिवाज है मैं वैसे में भी देख रही हूँ, पीपल आर चूजिंग नॉट टू इवन गेट मैरिड, औरतें नहीं करना चाह रही हैं। आई एम सरप्राइज कि ये बंदी, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, या तो आई डोंट नो कि उसकी फैमिली कहाँ से आती है, अच्छे खाते पीते घराने से है या नहीं है, यू नो फिर अमेरिकन नेशनैलिटी भी मिलेगी साथ में वहाँ पर, यू नो तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लोग अपना फ़ायदा भी देखते हैं इसमें, तो आई डोंट नो कि क्या है। मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी मेंटेलिटी नहीं मिलती है, अब मुझे नहीं पता कि भाई ये इनको पाकिस्तान लेके जाएंगे, वहाँ ले जाके हिजाब पहनाएंगे, इसी तरह से आप देख लो ना इमरान खान का क्या हुआ जमाइमा के साथ, ख़त्म हो गया ना वो भी, क्योंकि आप जब एक माहौल में पले बड़े हैं, आप एक फ्री माहौल में पले बड़े हैं, राइट, फिर आपको ले जाकर अगर कैद कर दिया जाएगा ना, तो फिर आपसे वो हैंडल नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस आफ्टर, कि जब एक औरत जो फ्री है उसको आप कैद करने की कोशिश करोगे ना, तो वो थोड़े अरसे तो बर्दाश्त कर लेगी, मगर वो एक पॉइंट आएगा कि वो कहेगी कि नहीं। अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए मैं आई एक पिंजरे में से, मैं पिंजरे में थी, मैं यहाँ आई खुला, यहाँ पर जो है मुझे आराम से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश की, अब मेरे भी एक भूत पड़ गया था पीछे, तो हालांकि वो भूत मुसलमान नहीं था, मगर वो फिर वही चक्कर कि मुझे कैद करनी है, जो मैं गायब हो गई थी यहाँ से, तो दैट वाज अ बिग रीजन कि मेरे पे तोहमतें लग रही थी, पता नहीं क्या मैं यहाँ पे करती हूँ, सो इस वजह से मैंने बंद कर दिया, मैंने सैक्रीफाइस की बहुत सारी, मगर आगे जाके मुझे दिख गया कि मेरी सैक्रीफाइस कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका, यू नो इट डजंट मैटर कि मैं कितना कर लूँ, नहीं होगा, तो आगे चल ही नहीं वो, क्योंकि हमारे माइंड सेट दोनों के एक जैसे नहीं थे। और मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल के ज़माने में ये औरतें अगर समझती हैं कि हम इस तरीके से इनके रंग ढंग में हो जाएंगे, नहीं, आजकल की औरत नहीं कर सकती है वो, तो लाइक मैंने कहा कि आई होप कि इनका रिश्ता चले, मगर वैसे ही आजकल मैरिजेस नहीं चल रही हैं, 5-6 साल में वैसे ही डिवोर्सेज हो रही हैं आजकल लोगों की, क्योंकि इट्स देर नॉट कंपैटिबल, राइट, अभी हनीमून फेज है ना ये इनका, अभी तो प्यार है, लवी डवी है, सब कुछ है, आगे चल के देखेंगे फिर क्या होता है।
मगर इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज. देखते हैं कि वो बुर्का पहनेंगी, अबाया पहनेंगी, उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी आगे जाकर, राइट? तो फिर आगे देखना पड़ेगा. अच्छा, सानिया मिर्जा की जब शादी हुई थी उस समय भी लोगों ने बोला कि देखो पहले हो चुका है, पहले और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है बहुत लड़कियों को, लेकिन वो भी नहीं मानी थी, उनका भी प्यार शायद जेन्युइन था. अब ये लड़कियां समझ ही नहीं पा रही हैं. दूसरी चीज ये कि क्या किस तरीके का माहौल फेस करना पड़ेगा इन्हें पाकिस्तान में, जिससे कोफ्त हो जाती है ना, जिससे नफरत हो जाती है कि यार ये कहाँ आ गई, मैं तो आई वाज सो ओपन, आई वाज सो ओपन, तो ये पाकिस्तान जाएंगी तो व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर शी इज गोइंग फेस. देखिए, आई डोंट नो कि पाकिस्तान जाके ये रहेंगी किस माहौल में रहेंगी. अब पाकिस्तान में जो है, जब मैं गई थी पाकिस्तान में, तो भाई अगर आप एंटरटेनमेंट में हैं, अगर आपके पास पैसा है, आप इलीट क्लास हैं, डिपेंडिंग ऑन, हमारे तो सारे क्रिकेटर वैसे ही मुल्ला हैं, तो आई डाउट इट कि ये वैसा माहौल उनको देंगे. मगर जिस माहौल में मैं रह रही थी, तो घर के अंदर क्या होता है वो तो खुला डुल्ला है सब कुछ, यू नो, लोगों की पार्टीज भी होती हैं, ये भी होती हैं, वो भी होती हैं. मगर अगर आप शाहिद आफरीदी जैसे कि घर में चले ही जाएंगी वहाँ पर, तो वो डिफरेंट किस्म का है, राइट? वो आपको, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होगी, तो उसके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, यू नो. और हम, मैं फिर वही बात बोलूँगी ना, देखें कभी कभार हम लड़कियों का ना दिल गधों पे आ जाता है, मगर फिर मैंने वही कहा कि फिर वो दिमाग ठिकाने आ जाता है थोड़े अरसे बाद, राइट? आप सफ़र करते हो, आप उसके लिए सैक्रिफाइसेस करोगे, मगर फिर आपका थोड़े अरसे में समझ में आ जाएगा. नाउ आई डोंट नो कि भाई फाइनेंशियली इनकी क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, कहाँ शादी होगी, क्या शादी अमेरिका में होगी, क्या प्रीनप लिखवाया जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं लड़कियाँ उनके साथ इस वजह से भी तो शादी करती हैं ना, उनके पास पैसा भी है और नाम और शोहरत भी मिलती है, तो शायद वो फ़ायदा भी देखा हो इन्होंने अपना. मगर टू कन्वर्ट, इट्स अ ह्यूज डिसीजन. और फिर यानी आप अपने माँ बाप के रिलीजन को छोड़कर, अपने एंसेस्टर्स के रिलीजन को छोड़कर आप वहाँ पे जा रहे हो. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बंदा मुझे इससे एटलीस्ट 10-15 साल बड़ा लग रहा है, इसकी एज मुझे नहीं लगती. और अगर नहीं लगता है तो आई डोंट नो कि खाता पीता क्या है, क्योंकि इसकी एज तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, लड़की बहुत यंग लग रही है मुझे. आई डोंट थिंक कि उसे अपनी एज से ही बताइए. और इस तरीके से होता है कि जब लड़की यंग होती है तो उसको ग्रूम किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसको ग्रूम करके अपनी चुंगल में फंसाना, ये लड़कों का बहुत पुराना वो है, यू नो, इट हैज़ बीन देयर, वी हैव सीन दिस थिंग. अगर देखो एक चीज़ एक दफ़ा हो जाए तो आप कहते हो इत्तेफाक हो गया, दूसरी दफ़ा हो जाए इत्तेफाक है, फिर तीसरी दफ़ा हुई ना तो वो ट्रेंड हो जाता है, वो एक ट्रेंड में आ जाती है. तो ये तो हम आगे जाके ही देखेंगे कि इनकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी. मगर देखना ये किसने किससे फायदा उठाना है, क्या इसके पीछे गेम है, वी डोंट नो. इत्तेफाक, पाकिस्तान बोस्ट करता है कि हम जो हैं 64 मुस्लिम कंट्रीज है वर्ल्ड, 64 मुस्लिम कंट्रीज में से इत्तेफाक हमें हर बार इंडिया के साथ ही क्यों होता है, बांग्लादेश से शादी नहीं हो रही है, थाईलैंड से नहीं हो रही है, टर्की से नहीं हो रही है, ये इत्तेफाक बराबर इंडिया से क्यों होता है, ये बात नहीं समझ सकती. आई थिंक क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जाकर रूट्स हमारी इंडिया से ही आती है ना, हमारी लैंग्वेज, बांग्लादेशियों के साथ हमारी लैंग्वेज भी नहीं मिलती है, हम उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, तो वो एक कनेक्शन हमारा हमेशा से रहेगा. जितना ही चाहेंगे पाकिस्तानी के हमारा वो ना हो, अगर पाकिस्तानी मिलजुल कर इंडिया के साथ, मैं तो हमेशा से कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान का तभी होता है कि वो इंडिया के साथ अच्छे तरीके से रहते और ये दुश्मनी ना रखते, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें हमारी कॉमन है. यू नो, आप देख लो कि पाकिस्तान में ये जो नाच गाने होते हैं शादियों पे, दुल्हन जो लाल दुपट्टा, आई मीन लाल जोड़े पहन के घूम रही होती है, कितनी तो हिंदुओं की ट्रेडिशंस है, इंडियन ट्रेडिशंस वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं, वो कहाँ से आई है इनके अंदर, वो वहीं से तो आ रही है ना, तो हम, क्योंकि हम सब एक साथ ही रहते थे पहले. मगर फिर वही चीज़ आ जाती है कि वो नफरतें इतनी पैदा कर दी हैं, तो आई थिंक क्योंकि हमारे बीच में इतनी सिमिलैरिटीज हैं, सबसे बड़ी सिमिलैरिटी हमारी जबान की हो जाती है, राइट? अब मेरा जो बच्चे का बाप है वो भी सिख था, राइट? तो हमारे वही था कि लैंग्वेज हमारी मैच हुई, वी कुड कनेक्ट विद द म्यूजिक, मूवीज, खाना पीना सब कुछ एक ही जैसा था, राइट? तो इस वजह से वो कनेक्शन इसी वजह से होता है. हम आपको नहीं दिखेंगे कि बंगालियों के साथ इतना हो रहा है या किसी और अरब्स के साथ इतना हो रहा है, यू वोंट फाइंड दैट. तो आई थिंक वो अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ. मगर आपको बहुत कम ऐसी लड़कियां, वैसे पाकिस्तान से भी तो आई थी ना वो एक, हमारी पता नहीं कहाँ से आई थी, उठ के दुबई के रस्ते से आई तो थी वो, आपकी भाभी, ऐसे भी होते हैं, मगर अभी तक है वहां पर, एटलीस्ट वो बंदी है तो ना वहां पर, वो आई सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए, नहीं वो वहां पे है अभी और वो चारों बच्चों के साथ वही है
और बेसिकली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा में, उसके पड़ोस में, वो देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा ये एक चीज और कि आपकी बात अलग है जी, आप कनाडा में रह रही हो या यूएस में रह रही हो या यूके में रह रही हो या फ्रांस में रह रही हो, जहां भी रह रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जहां भी रह रही हो वहां पे आपकी थिंकिंग एकदम अलग होती है, आपको मदरसे छाप लोग नहीं मिलते हैं सुबह शाम। तो वहां पे पाकिस्तान में जो है वहां तो नारे ही लगते हैं कि हमारा कश्मीर से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा बांग्लादेश से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा तुर्की से नाता क्या। तो ये जब बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा नाता है, तो वहां पे कोई अफेयर वगैरह नहीं चलता तुर्की उर्की, क्या ये इनको तुर्की की लड़कियां घास नहीं डालती हैं, इंडिया की डाल रही हैं, या इनको सऊदी अरेबिया की नहीं घास डाल रही हैं, क्या प्रॉब्लम कहाँ है वहां? शादियां नहीं देखी मैंने। देखिए सऊदी वाले तो कचरा समझते हैं पाकिस्तानियों को, तो वो तो करेंगे नहीं। सेम थिंग विद टर्की, अरब से कुछ समझते ही नहीं है पाकिस्तानियों को। अब वो एक वो ड्रामा आया था ना अर्तुगल, तो ये सारे पहुंच गए थे वहां पे, वो अर्तुगल की जो एक्ट्रेस थी उनके इंस्टाग्राम पे उनको इस्लाम सिखाने पहुंच गए थे, तो उसने तो ब्लॉक करके इनके टर्की वालों ने गालियां देकर इनको वहां से भगा दिया था। टर्की में जो बंदे यहाँ पर याद नहीं है आपको, पाकिस्तानी को उठा उठा के फेंक रहे थे क्योंकि लड़कियां छेड़ रहे थे यहाँ पर, तो वो तो वैसे ही इनको गंद समझते, वो तो इनको घास उसमें लाते ही नहीं है। आई डोंट नो कि क्या इन्फैक्चुएशन है पाकिस्तान इंडियन लड़कियों की कि उनको या तो क्रिकेटर्स पसंद आते हैं, स्टेटस पसंद आ गया उसका लाइक, फिर वही मैं कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता कि लड़की का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो अच्छे खाते पीने घराने से आ रही है, किसी गरीब घराने से है, क्या है, किस तरह नहीं है। तो देखें ये पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो ये इन्फैक्चुएशन क्या है इन लोगों की, क्यों करते हैं, आई डोंट नो, पहले ही देखा हुआ है। मगर मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि माइंड सेट, अब जैसे कि आपने कहा कि वो बंदी बाहर पली बड़ी है और वो एक ऐसे यानी इंडियन हिंदू घराने में है, तो हिंदू घराने में तो फ्रीडम होता है भाई, राइट। अब क्योंकि अगर मर्द यहाँ पे रह रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मर्द भी वैसे ही ओपन माइंडेड होगा यहाँ पर। भाई मेरे साथ तो वो गोरा था, मुझे तो लगता है, मैं तो उसको ये कहती मेरे गोरे को, मैं कहती तू पाकिस्तान चला जा, मुसलमान बन जा भाई, तेरे माइंड सेट तो वही है बिल्कुल, मैं तो नहीं करूंगी ये सब कुछ, राइट। मगर एक हद तक बंदा कर सकता है, फिर उसके बाद जो है ना दिमाग ठिकाने आता है, कहता है कि नहीं नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता। और आपको यही लगता है कि शुरू शुरू में लड़कियां कहती हैं कि नहीं नहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम ये करेंगे, मैं कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करोगे आप, राइट। अब आप नहीं कर सकोगे, वो माइंड सेट मिलना, थिंकिंग दिमाग मिलना शादी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर उसके बाद और प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, यू डोंट नो कि उसने क्या, अच्छा इन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, अब वो कहते हैं मैंने दूसरी शादी करनी है, तो फिर अब क्या ये मानेंगी उस चीज के लिए? वो कहेंगे मैंने तीसरी शादी करनी है, वो तो कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा भी है, राइट, वो तो अफोर्ड भी कर सकता है 2-3 शादियां। अब ये जाके पाकिस्तान में रहेंगी, पाकिस्तान में रहना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो मैंने वो आपको बताया ना कि जब आप एक खुले ढुल्ले माहौल से आ रहे हो पाकिस्तान में, चाहे घर के अंदर आपका खुला ढुल्ला माहौल हो, मगर अगर आप वही फिर आफरीदी के घर पे पहुंच गए तो फिर, और ज्यादातर हमारे क्रिकेटर्स वैसे ही मुल्ला हैं, और अगर नहीं होंगे तो बाहर दिखाने के लिए मुल्ला जरूर होंगे, और आई हैव नो डाउट्स कि इसको भी बुर्का पहना देंगे, वो इसको भी हिजाब पहना देंगे। वो तो आई डोंट नो कि सानिया मिर्जा जो थी शी स्टिल स्टक हर ग्राउंड, और वो फिर भी अपना जो है उसने वो करा, मगर क्या हुआ एट दी एंड, वो भी छोड़ के चली गई, राइट, शी एंडेड अप हैविंग अ डिवोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स हुई होंगी ना। और आई कैन गारंटी यू कि वो माइंड सेट की प्रॉब्लम थी, दोनों का साथ नहीं चलना था। Thanks a lot, Meherit Sarkari ji, for joining. It was a wonderful discussion. और उम्मीद है जल्दी एक discussion और करेंगे। उम्मीद है कि आप free होंगी क्योंकि आप बहुत busy चल रही थी more recently. उम्मीद है कि जल्दी discussion करेंगे। भूत उतरी है, जिन उतरी है, तो मैं free हूँ। So now I will be back again. मैं अपने भी channels पे अब दोबारा से videos डालना शुरू करूँगी, because I think के, और मैं लड़कियों को यही message करती हूँ कि अपने आप को किसी मर्द के लिए नहीं चेंज करना चाहिए, अपनी स्पेशली फाइनेंसेस जो हैं और ऐसी चीजें, आप मर्द के लिए प्लीज मत सैक्रिफाइस करो, क्योंकि मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, कल चला है, आज है, कल नहीं है, राइट। तो और मेरी गलती थी कि आई डिड दैट, मगर अभी नहीं। सो ऑफ कोर्स यू विल सी मी अगेन, रोहित जी थैंक यू सो मच। यस, महलीत जी के चैनल पे जाएं, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपको महलीत जी के चैनल का लिंक नीचे दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, और साथ में महलीत जी इज बैक, आप लोगों की चाहिए थी जिनको आप बहुत दिन से मिस कर रहे थे, अब हम देखेंगे इनकी तरफ से दिवाली के पटाखे। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग, और जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।